जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जम्मू पिछले कुछ समय में कई बड़े आतंकी हमलों से दहला है। ऐसे में आम लोगों से लेकर आर्मी को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है और इसको लेकर डिफेंस सोर्सेस का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से 50 से 55 ट्रेंड आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ की है, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ सेना के जवानों और लोगों को नुकसान पहुँचाने आए हैं। और हर बार की तरह आतंकवादी हमला करके जंगलों में छिप जाते हैं, ऐसे में इन्हें खत्म करना एक मुश्किल टास्क है। वहीं आतंकवादियों को लोकल लोगों से भी सपोर्ट मिलता है, जिसके चलते ये कई कई महीनों तक छिपे रहते हैं। साथ ही ये एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो चाइना में बना हुआ है, ऐसे में इनके कम्युनिकेशन को पकड़ना भी मुश्किल है। साथ ही इनके पास कई अमेरिकी वेपन और इक्विपमेंट भी हैं, जो अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में छोड़ गई थी वो अब आतंकवादियों के हाथ लग गए हैं। और इन आतंकवादियों का खुला सपोर्ट पाक आर्मी कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कई आतंकवादी हाईली ट्रेंड पाक के एसएसजी कमांडो भी हैं और अब आतंकवादी नए नए एरियाज को अपना टारगेट बना रहे हैं, इसलिए इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही 500 पैरा स्पेशल कमांडो को डोडा के जंगलों में उतारा गया है, जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ये आतंकवादी अभी तक जम्मू रीजन में कई हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बना चुके हैं। ऐसे में भारतीय सेना ने अब इन्हें पकड़ने के लिए पूरी स्ट्रेटजी बना ली है, यानी अब जम्मू क्षेत्र में हाई ट्रेंड पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ को देखते हुए सेना अलर्ट मोड में आ गई है। और इसलिए ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 से 55 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो को तैनात किया है, क्योंकि पैरा कमांडो आतंकवादियों को पकड़ने के साथ ही उन्हें खत्म करने में भारत के नंबर वन कमांडोस माने जाते हैं। वहीं इतनी बड़ी संख्या में आतंकियों के एक्टिव होने की वजह है जम्मू कश्मीर में फिर से टेररिज्म को बढ़ावा देना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकवादी अपने स्थानीय हैंडलरों के साथ काम कर रहे हैं। उनका मकसद जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना है। सोर्सेस के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में 2-3 कार्यकर्ताओं वाले छोटे छोटे ग्रुपों में लगभग 50 से 55 आतंकवादी एक्टिव हैं। यानी ये जो टेररिस्ट एक्टिव हैं, इन्हें कुछ स्थानीय लोगों का भी समर्थन प्राप्त है, जिसके वजह से ये आसानी से पकड़े नहीं जाते। इसलिए इन आतंकवादियों को घने जंगलों से घिरे इस क्षेत्र में मिल रहे स्थानीय समर्थन को रोकने पर भी फोकस किया जा रहा है। वैसे भारतीय सेना ने पहले ही 200 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स के बेड़े से लैस सैनिकों को क्षेत्र में भेजा है, यानी किसी भी आतंकवादी हमले से निपटने के लिए क्षेत्र में 200 से ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स तैनात किए गए हैं और सैनिक इन व्हीकल्स में ही ऑपरेशन के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि जल्द ही स्थिति पर काबू पा लेंगे, क्योंकि सेना ने यहां पाकिस्तान की प्रॉक्सी अग्रेशन का मुकाबला करने के लिए पहले ही क्षेत्र में लगभग 3,500 से 4,000 जवानों की एक ब्रिगेड सहित सेना लगा दी है। साथ ही लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड वेपन से लैस जवान आतंकवादियों की तलाश में लगे हैं और इसमें रोमियो और डेल्टा फोर्सेस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स की 2 यूनिट्स और सेना की डिवीजन भी मौजूद है। दोस्तों बता दें कि जम्मू रीजन में पिछले कुछ महीनों के दौरान कई बड़े हमले हुए हैं। 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के मचेड़ी इलाके में सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए आतंकवादियों के हमले में जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ समेत 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और 5 दूसरे घायल हो गए थे। वहीं पिछले महीने 9 जून को जम्मू के शिवखोड़ी में तीर्थ यात्रियों की एक बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही ऐसे कई हमलों को अंजाम दिया गया है और यही बड़ी वजह है कि 500 की संख्या में पैरा कमांडोस को इन्हें खत्म करने के लिए उतारा गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया है कि क्यों 500 कमांडोस को जम्मू में उतारा गया है। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।